स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल कार मैकेनिक में। दोस्त, ये वाला जो गाड़ी है अशोक लेलैंड का VS6 गाड़ी है। देखिए, इसमें प्रॉब्लम यही है, जो रिवर्स का जो सिंबल है, देखिए जो R लिखा हुआ है वो ऑल टाइम दिखाई दे रहा है। देखिए, एक बार न्यूट्रल करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए, गाड़ी अभी न्यूट्रल पोजिशन पर ही है, देखिए तब भी यहाँ पर R लिखा आ रहा है, ठीक है। और पीछे का जो लाइट है, बैक लाइट है, और रिवर्स का बैक गियर का जो लाइट है वही जल रहा है। गाड़ी का यही प्रॉब्लम है। तो दोस्त, चलिए आज देखेंगे, ठीक है। ये देखिए, हम लोग आगे गियर बॉक्स का पास, ये देखिए ये वाला जो स्विच है, ये है रिवर्स स्विच है, ठीक है। तो दोस्त, ये जो रिवर्स स्विच है उसको पहले खोल के एक बार देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर लाइन वगैरह आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और चेक करना है ये वाला खुलने के बाद मीटर पे वो जो R लिखा हो आ रहा था, रिवर्स का जो सिंबल आ रहा था वो फिर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही देखना है। ये देखिए, जो रिवर्स स्विच है वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए एक बार क्लस्टर का पास देखते हैं। देखिए, ये देखिए वो जो काबलर खुला हुआ है, अभी देखिए जो R जो लिखा हुआ था वो नहीं आ रहा है, ये ना रहा है, ठीक है। गाड़ी न्यूट्रल पे ही है, तो इसका मेन प्रॉब्लम ये है, ठीक है। देखिए, एक बार बैक गेट देखे दिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा है, R लिखा नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका जो मेन रीज़न है, कारण है, वो देखिए ये वाला जो स्विच है ये ख़राब है, ठीक है। तो चलिए पहले उसको बाहर निकल के एक बार चेक करेंगे, सेंसर सही है कि ख़राब है, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो स्विच है, रिवर्स स्विच, ठीक है, उसको चेक करने के लिए कुछ तरीका होता है। ये देखिए, ये जो पेस होता है ना, ये एंगेज और डिसएंगेज का काम करता है, ठीक है। तो दोस्त, यहाँ पर लगा के एक बार देखेंगे, ठीक है। तो दोस्त, ये देखिए, जब यहाँ पर लगा के जब पेस कर रहे थे ना, तब वहाँ पर जो R लिखा आ रहा था और छोड़ने से न्यूट्रल हो रहा था, ठीक है। इसलिए पहले एक बार उसको एडजस्ट करके देखेंगे, जो प्रॉब्लम है वही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। वो एडजस्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, ऐसा एक वॉशर चाहिए, ठीक है। वॉशर दे के एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करने के बाद देखते हैं वो वाला जो R लिखा आ रहा था वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, ऐसे करके आपको लगा लेना होगा, ठीक है। लगाने के बाद यहाँ पर, ठीक है, ये करके फिट कर देना है, ठीक है। ऐसे करके फिट हो जाएगा। उसके बाद जो सेंसर है उसको टाइट करना है, ठीक है। तो टाइट करने के बाद देखेंगे, ठीक है। तो वो तो हाथ से ही लगा हुआ है, अभी थोड़ा सा रेंज से टाइट देंगे। टाइट करने के बाद देखेंगे, ठीक है, कपड़ा लगा के जो प्रॉब्लम था वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्त, ठीक है। तो अभी जो उसका जो कपलर है वही लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्त, ये वाला ही जो सेंसर है, ठीक है। तो देखिए, कपलर तो लग चुका है अभी, ठीक है। देखिए, पूरा फिट हो गया है। तो अभी मीटर पे जाके देखेंगे, ठीक है। चाबी ऑन कर रहा हूँ अभी, ठीक है। देखिए, अभी चाबी ऑन है, मीटर पे सब कुछ लाइट आ रहा है। देखिए, अभी देखना है वो वाला न्यूट्रल आ रहा है कि नहीं है। देखिए दोस्त, जो ऑल टाइम जो R लिखा आ रहा था, अभी देखिए, ठीक है, वो न्यूट्रल हो गया है, ठीक है। तो देखिए, अभी बैक गियर पे है, इसलिए R दिखा रहा था। न्यूट्रल करके एक बार दिखाते हैं आपको। ये देखिए, न्यूट्रल है, तो यहाँ पर N लिखा आ रहा है। और दोस्त, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ।